गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कल हमने शुरू किया था ऑपरेशन ऑन पावर सीरीज, जिसके बेस पे हमने क्वेश्चन किया था कि अगर हमें किसी सम को, सीरीज के सम को इन टर्म्स ऑफ एक्स की पावर के कैसे एक्सप्रेस करना है। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आएगा, एक्सप्रेस द सम, सम है समेशन एम वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एम प्लस 1 होल स्क्वायर बाय एम प्लस 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर एम प्लस 3। आपको इस सम को एक्सप्रेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्स की पावर के, ठीक है। जैसे कल क्वेश्चन किया था, इसमें वेरिफिकेशन भी की थी, वो भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स की पावर के लिए क्या करना है, यही स्टेप रहते हैं ऑलमोस्ट सभी फंक्शन में, क्वेश्चन में इस तरह के, कि जो यहाँ पर एक्स की पावर के में रिप्रेजेंट करने के लिए जो गिवन में, गिवन जो आपके पास सम है क्वेश्चन में, जो एक्स की पावर दी हुई है, जो कि हमारे पास यहाँ पर एम प्लस 3 है, हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट एम प्लस 3 इज इक्वल टू के। सो एम कहाँ से शुरू है, जीरो से। तो यहाँ पर पुट करेंगे एम इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस 3 इज इक्वल टू के, यू विल गेट के इज इक्वल टू 3 फॉर एम इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 3, ओके। सो फाइनली यू विल गेट समेशन एम वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एम प्लस 1 होल स्क्वायर बाय एम प्लस 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर एम प्लस 3। हमें गिवन था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, के की टर्म्स में। तो अगर एम 0 था तो के कितना है, 3 है, तो के शुरू होगा 3 टू इन्फिनिटी। अब देखिए, यहां से एम प्लस 3 के था, यू नीड टू फाइंड एम प्लस 1। देखो x की पावर m प्लस 3, तो x की पावर m प्लस 3 को k ले लिया, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, m प्लस 1, m प्लस 2 चाहिए। यहां से ना m निकाल लो, m प्लस 3 इज इक्वल टू k, m आ गया k माइनस 3, इतना आ गया। आपको क्या चाहिए, m प्लस 1, m प्लस 1 की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ k, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 1 एड कर दो, यू विल गेट k माइनस 2। तो m प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, k माइनस 2 के। सो हेयर वी हैव m प्लस 1 विच इज इक्वल टू k माइनस 2 होल स्क्वायर। नाउ m प्लस 2, m प्लस 2 एडिंग 1 ऑन बोथ साइड अगेन, व्हेन यू एड 1 ऑन बोथ साइड यू विल गेट m प्लस 2 हेयर एंड k माइनस 1 हेयर, k माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो यहां से क्लास आ गया k माइनस 1 फैक्टो। सो आपका जो समेशन था एम की टर्म्स में, हमने एक्स की पावर के की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा तो आप वेरिफिकेशन करोगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड। सपोज वेरिफिकेशन करनी है आपको, वेरिफिकेशन बेसिकली ये करनी है कि जो आपके पास गिवन सीरीज है ये वाली, और जो हमारे पास यहां से आई है सीरीज, बस इसको हमने के को एम की टर्म्स में, के को सिंपल एम से रिप्लेस कर देना है। तो जब हम यहां पर के को एम से रिप्लेस कर देंगे, यू विल गेट जस्ट सिंपल के की जगह एम आएगा, एम इज इक्वल टू 3 m माइनस 2 होल स्क्वायर m की पावर k बाय m माइनस 1 फैक्टोरियल। जस्ट हमने क्या किया कि इधर k था, k को m से रिप्लेस कर दिया, ये हमारी गिवन सीरीज है जिसको हमने इन टर्म्स ऑफ, ये तो कब तक है आपके पास, ये तो एज इट इज रहेगा। यहां तक आपका क्वेश्चन था, सिर्फ अगर आपको एक्सप्रेस करने को कहा जाए, लेकिन अगर आपको आगे वेरिफिकेशन के लिए कहा जाए तो वेरिफिकेशन का ये स्टेप रहेगा कि जो हमारे पास ये आंसर आया है इसमें जस्ट के को एम से रिप्लेस कर दो, और इसमें एम की वैल्यू पुट करके हम इस समेशन को ओपन करेंगे, समेशन को ओपन करेंगे। तो देखिए क्लास कैसे करते हैं समेशन ओपन। सो समेशन आपके पास क्या है, एम माइनस 2 होल स्क्वायर एम की पावर के बाय एम माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आप क्या करोगे, एम को यहाँ 3 पुट करोगे, तो 3 माइनस 2 होल स्क्वायर एम 3 की पावर के बाय 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। समेशन मीन्स प्लस, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, आपके पास एम को 3 पुट किया, नेक्स्ट में एम को 4 पुट करोगे, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर 4 की पावर के बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। सो यू विल गेट 3 माइनस 2 1, 1 होल स्क्वायर इज 1, 1 को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करो 1 रहेगा, तो 1 इंटू 3 की पावर के, 3 की पावर के आ गया न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर में क्या आ गया 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल गया आपके पास प्लस। अब यहां से 4 माइनस 2 2 रहेगा, 2 का होल स्क्वायर 4 होगा इंटू 4 की पावर के, आप इसे कंबाइन करके तो 4 की पावर 1 है, 4 की पावर के, 4 के प्लस 1 भी लिख सकते हो। हेयर वी हैव 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ गया।
अब आपके पास क्या, 4 - 2 2 होल्स पर 4 इस वजह से आया है, प्लस एम सोन ये चलेगा। ये तो थी हमारे पास जो आंसर आया था के टर्म्स में, उसमें जस्ट के को एम से रिप्लेस करके हमारे पास ये सीरीज आ गई। अब हमारी ये जो सीरीज है वेरिफिकेशन, मतलब जब हम इस सीरीज को ओपन करेंगे और जब हम अपनी गिवन सीरीज को ओपन करेंगे वो सेम आए, ठीक है। कैसे, अब हम अपनी इसको सीरीज को ओपन करते हैं, समेशन एम वेरिंग फ्रॉम 0 to ∞ एम प्लस 1 होल स्क्वायर बाय एम प्लस 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर एम प्लस 3। ये तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर m को 0 पुट करेंगे, 0 + 1 1 1 का होल स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ पर x की पावर m की जगह 0 0 + 3 3, यहाँ पर m की जगह 0 0 + 2 2 फैक्टोरियल नेक्स्ट टर्म, प्लस m को 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4, 1 + 3 4 x की पावर 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा m, सॉरी यहाँ पर x चल रहा था ना, 4 के कैसे आया, यहाँ पर x चल रहा था, हाँ यहाँ पर सॉरी क्लास x चल रहा था ना, तो यहाँ पर x की पावर m आएगी, ये गलत हो गया, यहाँ पर x की जगह m को रिप्लेस नहीं करना, k की जगह m डालना, तो x की पावर m आ जाएगी, तो यहाँ पर आएगा x की पावर m, ये आ जाएगा x की पावर m, m कितना है हमारा यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x की पावर m, m हमारा 3 है, तो यहाँ पर आएगा x की पावर m कितना है हमारा 3 है, x की पावर m कितना है अगले स्टेप में 4 है, अगले स्टेप में 4 है, तो ये है। देखो फर्स्ट टर्म थी इसकी x क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल, इसकी x क्यूब बाय 4 फैक्टोरियल, नेक्स्ट टर्म इसकी क्या, m को 4 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4, x की पावर में m प्लस 3 है, m को 1 पुट करेंगे, 1 + 3 4, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 + 2 3 फैक्टोरियल, इसकी नेक्स्ट टर्म ये है और इसकी भी नेक्स्ट टर्म ये है, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ये दोनों सीरीज सेम है, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है आपके पास, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम डिस्कस करना है ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहते हैं शो दैट x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। x 0 एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, उसका ऑर्डिनरी पॉइंट है। ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कहते हैं अगर कोई पॉइंट एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट कब कहलाता है, जब इसमें जो पी एक्स और क्यू एक्स है दे आर एनालिटिक एट डेट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, जिसपे चेक करना है। एनालिटिक मीन्स कि x इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट के नेबरहुड में इनके डिफरेंशियल कॉफिशियंट सभी ऑर्डर के एग्जिस्ट करे, अदरवाइज पॉइंट ऑर्डिनरी नहीं होगा, सिंगुलर होगा। और सिंगुलर में भी हमारे पास दो हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इरेगुलर। कोई पॉइंट रेगुलर कब कहलाएगा, पॉइंट x इज इक्वल टू इज कॉल्ड रेगुलर इफ बोथ x माइनस ए इंटू पी एक्स, पी एक्स को x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू एक्स को x माइनस ए होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो x इज इक्वल टू ए के नेबरहुड में डेरिवेटिव पोजेस करे तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, अगर नहीं करे तो इरेगुलर। क्वेश्चन से देखते हैं कैसे होगा क्लास। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, शो करना x इज इक्वल टू 0 एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, डिवाइडिंग आपको क्या करना है, इसका कोफिशियंट 1 बनाना है। कोफिशियंट 1 कैसे पता चलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखिए जो हमारे पास जनरल फॉर्म है उसमें d2y/dx² + px (dy/dx) प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0 में इधर x, इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका कोफिशियंट 1 है, इसका 1 बनाने के लिए x² + 1 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, इधर डिवाइड किया 1 आ गया, इधर डिवाइड किया x/x² + 1 और इधर आ गया x/x² + 1 × 1। अब इसको जब इस फॉर्म से कंपेयर किया तो जो dy/dx का कोफिशियंट है वो px और जो y का कोफिशियंट है वो qx है, तो dy/dx का कोफिशियंट px, तो px पूरा कितना है x/x² + 1 और qx कितना है विद साइन हमने लेना है, ये आ गया। और हमें पता है कि हम किस पे पॉइंट को चेक करना है, 0 पे, और 0 पे दोनों के पोजेस करते हैं पार्शियल दे पोजेसेस बहुत px एंड qx बोथ पोजेसेस डिफरेंशियल कोफिशियंट, देयरफॉर ये ऑर्डिनरी पॉइंट है। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होता तो रेगुलर होता, रेगुलर आपके पास सिंगुलर पॉइंट होता, सिंगुलर में भी देख लेते कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि कोई पॉइंट ऑर्डिनरी हो उसी सेम डिफरेंशियल के लिए और अनदर कोई पॉइंट x इज इक्वल टू 1 उसी सेम डिफरेंशियल के लिए ऑर्डिनरी ना हो यानी सिंगुलर हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही कोफिशियंट 1 बनाने के लिए x² - 1 से दोनों से डिवाइड कर दिया और आपको px और qx मिल गए और फिर ये इनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। अब x इज इक्वल टू 1 पे इसको प्रॉब्लम क्या, जब यहाँ पर px में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 और जब क्लास डेनोमिनेटर में 0 जाता है तो इनफाइनाइट देता है, ऐसे qx आपके पास नॉट डिफाइंड होगा तो ये डिफाइंड नहीं है x इज इक्वल टू 1 पे, इसलिए दे डोंट हैव ऑर्डिनरी पॉइंट एट x इज इक्वल टू 1, दे हैव सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर में भी रेगुलर कब होंगे, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, हमने किया था ये वाली जो px आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस ए से, ए क्या है 1, qx को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर से,
तो आपको ये टर्म मिलती है। यहाँ पर ओपन कर दिया ना फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वन का, क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल होगा, एक्स प्लस वन बचा। सिमिलर विद हेयर, तो यहाँ से अब देखिए क्लास, अब हम यहाँ पर ये कहेंगे अगर इनके पार्शल नेबरहुड में एक्स इज इक्वल टू वन में, अब ये एनालिटिक है, अब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ वन पुट करेंगे वन प्लस वन टू आएगा, वन पुट करेंगे वन प्लस वन टू आएगा, अगर ये माइनस वन होता तब दिक्कत ही, जैसे यहाँ था तो अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स इज इक्वल टू वन ऑर्डिनरी पॉइंट तो नहीं है क्योंकि पी एक्स और क्यू एक्स को तो दिक्कत है, लेकिन एक्स माइनस वन इंटू पी एक्स एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एनालिटिक तो है एक्स इज इक्वल टू वन पे। लेकिन अगर क्योंकि ये एनालिटिक है इसलिए इसको हम ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे, और सिंगुलर में भी कौन सा, दो टाइप है रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर बोलेंगे क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को ट्राई कीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए।